रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार के पहले अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वे हड़ताल पर नहीं जाएंगे, अन्यथा वो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि श्यामशाह मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशय द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 माह से जूड़ा की सैलरी नहीं आई है, जिससे अब उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी वो लगातार लोगों को सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 मार्च की हड़ताल की गई थी, जिस पर आश्वस्त किया गया था कि जल्दी उनकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद एक बार फिर सोमवार से हड़ताल की जाएगी। जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार से वो रूटीन काम बंद कर देंगे, जबकि इमरजेंसी काम चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बताया गया है कि बीते दिसंबर माह से जूनियर डॉक्टर का वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते अब उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वे अब हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशय द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल होने वाली है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या वजह क्या है? लगातार 3 महीनों से डॉक्टर बड़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हैं। 3 महीनों से स्टाइपेंड और जूनियर डॉक्टर्स का करीबन 5 महीनों से स्टाइपेंड का एक पैसा भी नहीं आया है। सब प्रोफेसर्स का पैसा आ गया है, बाकी सब स्टाफ का पैसा आ गया है, जो जूनियर डॉक्टर्स जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका पैसा नहीं आया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने पहले भी प्रशासन को चेताया था और काली पट्टी आंदोलन भी किया था 6 मार्च को, पर प्रशासन के कान आज तक नहीं खुले हैं और जिनको खोलने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या कैसे पे कर रहे हैं? पहले हम रूटीन काम सोमवार से बंद कर रहे हैं। रूटीन काम में वार्ड का काम होगा और हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, रहेंगे सभी, और अगर प्रश्न आया जीवन और मरण का तो हमने हमेशा जीवन का ही चयन किया है और वो आगे होता रहेगा। तो जो इमरजेंसी वर्क है वो वैसे ही चालू रहेगा, पर जो रूटीन वर्क है वो बाधित कर देंगे हम। बाधित मतलब हम अपनी ओर से पेन डाउन कर देंगे, बाकी जो होना है वो प्रशासन देखेगा। कब से कब तक रहेंगे हड़ताल, कब से कब तक की? देखिए, पहले तो हमको कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है, लेटर के बावजूद हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई आखिरी तारीख मिली है। तो जब तक प्रशासन हमको आश्वासन और पक्का आश्वासन की एक तारीख दे दे कि इस तारीख तक स्टाइपेंड सबकी आ जाएगी, तो फिर हम स्ट्राइक को विड्रॉ कर लेंगे। शुरुआत कब से होगी हड़ताल की? ये सोमवार तारीख 20 मार्च से हम हड़ताल पे जा रहे हैं। कौन कौन से इयर्स के स्टूडेंट्स? सारे पहली दूसरी और तीसरे वर्ष के छात्र, सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं सारे जा रहे हैं, और उनके ऊपर उनके साथ SR जो हैं सीनियर रेसिडेंट्स, उनकी भी सैलरी नहीं आई है 3-3 महीनों से, तो वो लोग भी हमारा साथ देंगे। स्टाइपेंड और सैलरी दोनों होते हैं शुरू? स्टाइपेंड और सैलरी लगभग एक है। जूनियर डॉक्टर्स की सैलरी को स्टाइपेंड कहा जाता है, तो वो लगभग करीबन दिसंबर से नहीं आई है। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर आशीष द्विवेदी, मैं अभी रीवा जुड़ा का अध्यक्ष।